कपड़ा लगाने को मेरे से अर चले रहे हो कल आपने कथा सुना है कि अगर आपका भाव निर्मल है तो कंकर में संकर बदल जाता है। प्रहलाद के ऊपर जब कोड़े लगते थे भगवान श्री हरि वैकुंठ में आनंद ले रहे थे, मैया ने भोजन दिया था ना, भोजन को त्याग दिया। मैया ने कहा भोजन को क्यों त्याग दिया? आह, श्री हरि के मुख से आवाज निकलती थी आह। मैया ने बोला क्या हुआ? बोले आज प्रहलाद पर यानी भक्त को कोई कोड़ा मार रहा है। बोले आप पागल मत बनाओ, भोजन कर लो। श्री हरि ने कहा जरा पीठ उठाकर देखना, अगर भक्त के सिर पे चोट लगे तो भगवान को निशान आ जाता है। ये भाव भाव के हृदय में आना चाहिए। एक बार एक राजा ने जाकर के परमात्मा से सवाल किया, भगवंत आपके पास तो इतने सारे देवी देवता हैं, फिर भी भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए स्वयं क्यों अवतार लेते हो, स्वयं क्यों आते हो? भगवान ने कहा मैं आता हूं। इस बात का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। एक दिन भगवान संत के वेश में उसी राजा के द्वार पर आ जाते हैं। संत का बड़ा ही मान सम्मान किया राजा ने। थोड़ी देर में सूचना दी कि राजा तुम्हारा बेटा गंगा में डूब रहा है। राजा तुम्हारा बच्चा गंगा में डूब रहा है। राजा ने संत भगवान की सेवा छोड़ दी। कहा भाई सृष्टि में हाहाकार मच गया है, भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ और भगवान शंकर ने उस वृक्ष उस विष का पान किया। उस विष को भगवान ने पान किया, कंठ नीला हो गया, तब से भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। और जो बिंदु नीचे गिर गए, जो उनसे पैदा हो गए, बिच्छू सांप जहरीले जंतु। जय नीलकंठ, जय नीलकंठ दयाल शंकर। उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया नील। किसके लिए विष दिया भगवान ने? जगत कल्याण के लिए। और सारे देवताओं ने मिलकर के स्तुति की है। दो पंक्ति आप भी स्तुति करेंगे। आदिदेव जगत कारणम श्रीधर। हारमोनी की आवाज थोड़ा कम करो। आदिदेव जगत कारणम श्रीधर। Thank you.
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं सुखं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अनाथ हो गया। भारत में काशी विश्वनाथ जगन्नाथ केदारनाथ बद्रीनाथ जिसके जगत में इतने नाथ हो अनाथ हो ही नहीं सकता। अब मंदराचल पे जब मथानी लगाई गई थी तो आपको ध्यान से एक बार बताना चाहूंगा कि जब आप अच्छा काम करोगे तो विरोध करने वाले आगे जरूर आएंगे। बारिश के टाइम पे कीड़े उड़ के आते हैं कब तक, जब तक उनकी मौत ना आ जाए। उन्हें आग से खेलने का शौक हो जाता है, विनाश की घड़ी आने की तैयारी हो जाती है। देवासुर संग्राम में मथानी यानी रस्सी के लिए किसका प्रयोग किया? वासुकी नाम का। अगर राक्षसी वृत्ति से लोगों से काम लेना हो ना तो ये उल्टा काम करते हैं। अगर इससे कह दो भैया ये काम करो तो कभी ना करेंगे, और अगर कह दो ऐसा मत करना तो घूम के वही करेंगे। ये राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं। जब वासुकी नाग को पकड़ा गया तो भाई समुद्र मंथन है, रत्न में सबको मिलना है, तो एक तरफ आग पकड़ो, एक तरफ हम पकड़े, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। राक्षसों ने जान बूझ करके अपनी व्यवस्था को देखा, क्योंकि वो सोई जाने की नहीं किसी का होने लगा सजा। जज ने कहा भाई तुझे सूली दे या फांसी, कह दो रुपए का फायदा हो वही देते, जिसमें चोरी हो या फांसी दो रुपए का फायदा वाला काम देते हो। आज राक्षस और देवता खड़े हैं, देवताओं ने कहा भैया ऐसा है कि हम वासुकी का मुख पकड़ेंगे और आप लोग पूछ पकड़ रहे ना, हम क्यों पकड़े, तुम ही होशियार है, उस तरफ हम क्यों पकड़े। मतलब गलती से अगर आपने कह दिया ये मुझे है तो कहेंगे ना ये तो मुझे चाहिए। देवता लोग विवेकी होने से विवेकी होता ही है कि अपने आप ही आप कह दोगे, क्योंकि देवताओं को पता था कि अगर वासुकी को खींचेंगे इसके मुख से विष निकलेगा, इसी से कुछ संख्या कम हो जाएगी। तो जो दुश्मन ज्यादा आगे आए ना उसके लिए शारीरिक शक्ति नहीं उसकी जरूरत होती है, उसके लिए विवेक की जरूरत होती है। अरे वाह, जिससे वासुकी भोजन करता है उस अंग को तुम पकड़ोगे, जिससे मन त्याग करता उसे हम पकड़ेंगे। मथानी चालू हुई। सर्प का एक स्वभाव है, सर्प जब डंस करेगा तब विष देगा, और जैसे आप उसे अगर कायदे से पूछ पकड़ के झटक दो ना उसकी पीछ की हड्डियां टूट जाए तो सर्प कभी काटे ही ना पावे, और जैसे जैसे खींचते थे ना उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटती गई, विष निकलता गया और राक्षस अपने आप ही सीमा में मरते गए और संख्या कम। इनका तो नेचर है ये करेंगे। अब हिंदू कार्यक्रम हो रहा है तो बड़ा ध्वनि प्रदूषण लग रहा है, अगर उस मस्जिद के बगल में घर होता तो क्या करते, उतार दो होंगे जाकर, और ज्यादा ज्ञान कर रहे हैं तो एक बार मेरे पास आ जाओ मैं भूत उतार दूंगा। हमारे पास सारे वेद तैयार होते हैं। मुसलमानों की मस्जिद के बगल में अगर घर है तब क्या करोगे? ऐसे राक्षसों की वृत्ति है वहां पर कि ना जब विष निकला कोई नहीं आया, अब वहां से अमृत का कलश निकल गया। अब अमृत कलश निकल गया तो देवता तो पीछे, दानव पहले ही भाग पड़े, महाराज ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। अच्छा काम हो तो आपका, बुरा हो तो पड़ोसी का, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप है ना जी। युद्ध की स्थिति निर्माण हो गई, कोई कहता है अमृत मैं लूंगा, कोई कहता है अमृत
आप याद करें उस अमृत के लिए देवता और दानव दोनों लड़ गए, लेकिन वही अमृत परीक्षित को देने के लिए सुखदेव जी के पास देवता है कि अमृत परीक्षित को दे दो, ये अमर हो जाएंगे, बदले में मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। तो उन्हें इसकी पात्रता न देखकर हटा दिया गया कि जाओ तुम्हारे लायक नहीं है, अब तू उस अमृत से भी ज्यादा महत्व श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का। अगर उस कथा उस अमृत का एक बिंद पीने के बाद आदमी अमर हो सकता है, और इस भागवत कथा का एक श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए, बिहारी की कृपा बरस जाए, तो मृत्यु के भय से मुक्त होकर इच्छा रहित होकर वो मोक्ष को पा सकता है। ये श्रीमद् भागवत कथा है। देवताओं में और दानों में युद्ध की स्थिति आ गई है कि मैं अमृत लूंगा, मैं अमृत लूंगा, मैं अमृत लूंगा। श्री हरि ने कहा अब तो फिर से व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और स्वयं विश्व मोहनी का स्वरूप बना लिया है, क्योंकि राक्षसी वृत्ति लोगों की दो कमजोरियां होती है, सुरा और सुंदरी। भगवान ने विश्व मोहनी स्वरूप बनाया, हाथ में अमृत कलश लिया है और खेलते हुए देवताओं की तरफ चले गए। राक्षसों ने कहा हमारे अंदर पर मेरे मुझ पर भरोसा है ना, अरे चंचल अदा हुष्क की ताजी में फंस जाओ तो निकलना मुश्किल होता, मुझ पर भरोसा है ना। ये कहकर विश्वमोहनी परमात्मा श्री ने जो विश्वमोहनी का रूप बनाया, देवताओं की तरफ चले गए, पंक्ति में बिठा दिया और देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना चालू किया। राहु जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। कुछ लोग होशियार रहते हैं ना कि दिल वाले बचा ले दिल अपना, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, और कोई मरता है तो मर जाने दो, हम तीर चलाना क्यों छोड़े। राहु ने कहा अगर उस दिशा से अमृत पिलाना भगवान ने चालू किया विश्वमोहनी ने, यहां आने तक अगर खत्म हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो छोटे बच्चे ना जैसे प्रसाद में एक हाथ से ले ले तो ये मेरे पापा के लिए दे दियो, भाव कर रहे ना बालक ने। इसी हिसाब से जाकर के देवताओं के पंक्ति में राहु बैठ गया है। भगवान को पी गए नीलकंठ और अमृत पिला रहे हैं, सूर्य और चंद्र की दृष्टि पड़ गई। विश्वमोहनी स्वरूप में श्री हरि अमृत पिला रहे हैं, सूर्य और चंद्र ने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि देखो वहां राहु बैठा है, यानी देवताओं के पंक्ति में एक राक्षस बैठा है। भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसके सिर और धड़ के टुकड़े कर दिए, तब हो गए नौ, नहीं पहले आठ ही ग्रह हुआ करते थे राहु और केतु, और यही उसका परिणाम सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगाकर बदलाव होते हैं। तो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण वो बदला लेते हैं, उन्होंने वही कह दिया था। परमात्मा ने जब भी अवतार लिया अपने आप को मिटा करके भी भक्तों का कल्याण, उस दिन से ग्रह कितने हो गए, पहले आठ थे, नक्षत्र बारह, ग्रह नौ, कितने हो गए बारह नवा, माला कितने दाने की होती है, वो इसीलिए लोग ये ज्योतिषियों का मत है, तुलसी जी का मत कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि बारह नक्षत्र नौ ग्रह बारह नवा 108, आठ एक नौ, नौ पूर्ण अंक है, कितनी बार गिनो वो पूरा ही रहता, कम नहीं होता। नौ एक नौ दुनी आठ एक नौ त्रिक 27, सात दो नौ पूर्ण अंक है, और इस 108 दाने की माला के जाप करने से ग्रहों की शांति हो जाती है। पर मेरे भाई कौन से ग्रह का कौन सी माला से जाप करना यह भी अनिवार्य है।
स्वामी जी ने कहा ना मैं ना मानू इस मत को। तो कुछ विद्वानों ने कहा देखिए शून्य ब्रह्म, शून्य ब्रह्म एक जीवात्मा माया, बोले भगवान से मिलने भी माया, ये भी खंडन कर दिया। फिर तुलसीदास जी ने कहा मेरे लिए 108 क्यों है, ध्यान देंगे जगपाल जी के मेरे लिए 108 की माला इसलिए है कि रामचरितमानस को उठाना, सीता राम लिखना और उनके गुणांत जोड़ लेना, 108 हो जाएगा। हर संत में मैंने मेरे राम को देखा है, इसीलिए भगवान की कृपा से तुलसी जी ने रामायण लिखने की पहली पंक्ति में ना तो गुरु को प्रणाम किया, ना सिद्ध को, ना देवताओं को, रामचरितमानस की पहली पंक्ति को अगर ध्यान देंगे, वर्णानाम संघानाम अक्षर समूह को वंदन किया है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, ये अनंत है, और हर शब्द में तुलसी ने अपने राम को देखा था, इसीलिए शब्द को प्रणाम किया था। जब जब प्रभु के समक्ष गौ ब्राह्मण संतों पर अत्याचार होता है, भगवान ये अवतार महाराज बलि। अच्छा एक चीज और है कि देवा जब भी व्यक्ति के अंदर आता है, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी समझाने की चेष्टा करता हूं। भगवान श्री हरि की भू लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी, भू अचल संपत्ति, श्री चलायमान रुपया पैसा में अचल संपत्ति। लक्ष्मी के दो प्रकार के वाहन है, एक कमल का पुष्प है और एक उल्लू से विराजती है। अगर आपके ग्रह में लक्ष्मी का प्रवेश कमल के पुष्प पर हो गया है तो आपके घर की पवित्रता और प्रगति कमल के समान खिल जाएगी, और अगर उल्लू पे आ गई है तो आपको रात में दिखाई पड़ेगा, दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा, या आप खुद ही उल्लू बन जाओगे। अब आप कैसे पहचानोगे कि संपत्ति आती कैसे है? तो जिस काम को परिश्रम करके, पसीना करके, निष्काम सेवा से लक्ष्मी प्राप्त की जाए, वो लक्ष्मी कमल के पुष्प पे आएगी, उसमें आपके घर में बरकत होगी। और अगर किसी को उल्लू बना करके, मूर्ख बना के धन कमाओगे तो तुम्हें उल्लू बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, और ऐसे बनोगे कि दुनिया में आजू बाजू में तुम्हें खुद को नहीं पता लगेगा कि तुम्हारे आजू बाजू में है कौन। इस पृथ्वी पर जब ये जीवात्मा आती है ना, तो मां लक्ष्मी भी कुछ इसे देती है। जैसे आप अगर अपने बेटे को 1,00,000 रुपया दो कि बेटा जा तू बाहर पढ़ाई करके आ जा, तो ये मां का दिल है, आपके पीछे बच्चे को जरूर एक तरफ बुलाएगी और उसे कहेगी चुपचाप कहीं से भी 10 रुपये ही सही कुछ धन अपने बेटे को देती है, और उस समय कहती मेरे लल्ला तेरे पिता का दिया हुआ धन कैसे भी खर्च कर लेना, पर मेरा धन मेरे पास आने के लिए खर्च कर देना मेरे लाल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास का धन खत्म हो जाए और मैं तेरी प्रतीक्षा में यहां ही खड़ी होकर राह देखती रहूं। जैसे एक साधारण मां एक धन अपने पुत्र को देती है ना, ऐसे जब ये जीवात्मा इस धरा पे आती है, इस पृथ्वी पे आती है, तो आदि शक्ति इस जीवात्मा को एक कोने में बुलाती है और श्रद्धा स्वरूप एक धन देती है कि जा मृत्युलोक में जब तेरी सारी संपत्ति छीन हो जाए, इस श्रद्धा रूपी धन के सहारे सत्संग में चले जाना और सत्संग अमृत पी करके तू चैन मेरे पास चले आना, तुझे मोक्ष दिला दूंगी। ये धन महालक्ष्मी दिया तो मिलती है राम नाम की, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी।
मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, संगत ही गुड़ जा, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जा, बांस फांस रुई से एक भाव का संगत का गुण। संगत के अंदर का मतलब क्या समझते हैं? संगत यानी उसमें लिप्त हो जाना, कि कह रही में ऐसे रमे जैसे दूध में घी। संगत का मतलब सत्संग में रहने का मतलब, सदगुरु सानिध्य में रहने का मतलब है कि दूध में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे रम जाओ तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर उसे निकालना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उबालना पड़ेगा, मटाना पड़ेगा, मथानी चलानी पड़ेगी, तब मक्खन मिलेगा। ऐसे रम जाओ उसके अंदर, कह रही में ऐसे रमे जैसे दूध में। ऐसे कहते हैं ना कि गुरु सानिध्य में आके उसी में छिप जाओ। कहते हैं ना कि जी उस आश्रम में गए, जितने बालक थे सबकी शकल एक जैसी दिख रही थी। कल बताया नहीं मैंने आपको कि जिस समय रुक्मिणी जी राधा रानी के द्वार पे जा रही है, द्वार पे दासी को देखा तो ऐसा लगा कि यही राधा रानी है। अस्तु राधा रानी के संगति में रहने वाली दासी भी राधा जैसी हो जाती है। अगर ऐसा अनुकरण है तब तो आप सानिध्य में रह सकते हो, नहीं तो रहकर भी कोई फायदा आपके जीवन में नहीं हो। उसके जैसे बन जाओ, आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो, नजरें मिलाकर जालिम जाने की धर गए हो, और जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी, बस सिर्फ तू ही नजर आए। और अगर उनके बीच में आप अपनी एक अलग पहचान करने की सोचे तो उसी दिन कहानी खत्म हो जाती। अगर उसी के बीच में छिप गए तो बेड़ा पार, और नहीं तो फिर नहीं डूबेगी मझधार। बलि यहां कहा गया है कि आपने सोचा होत नहीं, हरी सोचा तब निकाल, बलि चाहा मैं कुंठ को भेज दियो पाता। आप जो सोचते हो नहीं होगा, वो जो सोचता है वो होगा। और अगर आपके सोचने से सब कुछ होता तो आप पहले अपना बना लेते, बाद में दूसरे का बना लेते। परमात्मा इस दुनिया में नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, काफी मूर्ख कहते हैं ना कि हनुमान जी में इतनी ताकत है तो राम मंदिर बनने से क्यों रोकते, बना ले। कुछ मूर्ख ऐसा भी कह देते हैं, ये मंदिर मैंने बनाया मैं इसकी पूजा क्यों करूं। अबे मूर्ख, तुझे किसने बनाया? तूने मंदिर बनाया स्वाभाविक है, तूने दान किया स्वाभाविक है, पर तुझे किसने बनाया ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, तब पता लगेगा कि ईश्वर जीव
विनाशी चेतन सहज सदा सुख रम। तब आपको पता लगेगा आपको जिसने बनाया है उसके बारे में सोचो जरा सा, और जिसने बनाया नहीं आपको उसके बारे में नहीं सोचोगे तो परमात्मा तो कभी बुरा सोचेगा नहीं, संत आपके बारे में बुरा सोचेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म से ही तुम्हारा बुरा होगा। वो नहीं सोचते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। महाराज बलि ने क्या चाहा था कि मैं वैकुंठ लोक को पालूंगा। जब जब किसी ने ब्राह्मणों को सताया, गौ हत्या हुई, सिद्धों को सताया, अवलाओं को सताया, तब परमात्मा का अवतार अवश्य होता है। दिवाली क्यों मनाते हैं? राम अयोध्या आए थे इसलिए, ऐसा नहीं है। पढ़ना आप रामचरित मानस के मर्मज्ञ लोग हैं, मेरी तो खैर उम्र भी कम है ना जी, 40-41 साल का हूं, आप लोग वयोवृद्ध है। बाकी भगवान राम अयोध्या आए थे इसलिए दिवाली नहीं मनाई जाती, वहां उपमा है, लाइनें पढ़ना, उसमें ये लिखा है भगवान राम का जिस दिन अयोध्या आगमन हुआ अयोध्या को ऐसे सजाया गया कि मानो दिवाली आ गई हो। यही सारी चीजें जानने की होती हैं। अब तो खैर समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई मंडलेश्वर तो पैसे से बनते हैं। मंडलेश्वर का मतलब पता है? मंडल धन ईश्वर अस्तु मंडलेश्वर, जिसको संत मंडल ईश्वर के समान पूजता हो। सहस्त्र मुनि है उपार्जिताम तस्तु भवति मंडलेश्वर, 10,000 से ज्यादा संतों की जो सेवा करता हूं। और कभी अगर आप पढ़ेंगे तो मंडलेश्वर शब्द के आगे एक लाइन लिखी जाता है, परिव्राजकाचार्य अस्तु, जो सदैव एक जगह स्थिर ना रहे, निष्काम भाव से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, इस खटकर्म को करवाता रहे, उसे कहते हैं मंडलेश्वर। और उसके बाद अगली लाइन में जो बड़ी प्रमाणिकता होती है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, हर सूक्ति के प्रश्न का उत्तर प्रमाणिकता से दे सके, उस विद्वान को कहते हैं महामंडलेश्वर। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और किसी ने प्रश्न कर दिया तो कहे बाद में बताएंगे, तो खाली दुकान है। अब रही बात, हमारी अवस्था छोटी है, हमारी सरलता को देखकर काफी लोगों को नूर लग जाए कि भी महाराज खाली हारमोनियम भी बजा है, IPS ज्वाइन करता, शिक्षा बताना नहीं चाहता, बट ये समझ लो कि जितना पढ़ने में लोग 10-20 लाख गवा देते हैं उससे ज्यादा पढ़कर मैं आ बैठा। सबसे बड़े गर्व की बात है कि संस्कारित परिवार से हूं, राज पुरोहित हुआ करते थे हमारे परिवार के कुल के लोग, मेरी कोई भी डिग्री गोल्ड मेडल से नीचे नहीं है, लेकिन सरल रहता हूं। और सबसे बड़ी डिग्री मेरी व्यक्ति यह है कि 1,000 लोगों की सेवा करता हूं और उन 1,000 लोगों के दिलों से एक बार ही सही मेरे लिए दुआ निकल जाती है, अरे आज बाबा ने मेरे घुटने की मालिश की, थोड़ा दर्द खत्म हो गया, भगवान उसे लंबी उम्र दे, यही मेरा गोल्ड मेडल। 1,000 के दिलों में रहने की आदर्श बन गई है महाराज। हमारे साथ ऐसा है, बंटी बाबू के जब हम कहीं जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा में मुझे 2 लोग जानते हैं, और जब विदाई होती है
तो जैसे अपनी बेटी के विदाई में बाप रोता है, ऐसे लोग रोते हैं, क्योंकि गुणों से पहचान होती है, दौलत से नहीं। महाराज ये मेरी माँ की देन है जिसने मुझे सपने में नहीं लोरियों में, हमारी माँ ने हमें लोरी सुनाई है ना, तो भी गीतों में सुनाई है।